अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फूडीज एंड मूव बाय मरियम। आज जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है पैन पिज़्ज़ा की, जिसमें बहुत ही इंस्टेंटली और बहुत ही ईजीएस्ट वे में प्रिपेयर करने वाली हूँ। तो आप लोग काइंडली रेसिपी को एंड तक देखिए और इसको लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो सबसे पहले मैं तैयार करने वाली हूँ पिज़्ज़ा के लिए डो, जिसके लिए मैंने मैदा को इस तरीके से करके अच्छी तरह से छान लिया था। उसके बाद मैंने इसके लिए इंस्टेंट ईस्ट यूज़ कर रही हूँ जो कि रोसमोर की है। तो मैदा की क्वांटिटी जो मैंने ली है वो है 2.5 कप। तो 2.5 कप के लिए मुझे 1 टेबलस्पून यहाँ पे ईस्ट की ज़रूरत होगी। तो 1 टेबलस्पून ईस्ट मैंने इसमें ऐड कर दी है। सिमिलरली मैं 3 टेबलस्पून इसके अंदर शुगर ऐड करने वाली हूँ। तो आप भी इस तरीके से ऐड कीजिए कि इसको लेवल रखें। उसके अलावा 2 टेबलस्पून आप इसमें ऑयल ऐड कीजिए। और इसको नीट करने के लिए मैं यहाँ पे गर्म पानी का यूज़ करूँगी, जो कि आप होम वाटर इतना ले लें कि बहुत ज़्यादा भी गर्म नहीं हो, लेकिन यह है कि तकरीबन इसके अंदर आपको 1.5 कप तक पानी ऐड करना पड़ेगा, जो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट डो तैयार करेगा। इसके अलावा सॉल्ट मैंने 1 टेबलस्पून यूज़ किया है इसमें। मैंने यहाँ पर वाटर को थोड़ा सा ज़्यादा हॉट लिया था, इसी वजह से मैं इसको मिक्स इस तरीके से कर रही हूँ। बाकी इसको आप जैसे भी मिक्स कर लीजिए। आपने सिर्फ और सिर्फ इसको अच्छी तरह से नीट करके 2-3 मिनट के लिए आप इसको नीट कीजिए ताकि परफेक्ट नीट हो जाए। और मैं ऑयल पहले इसमें ऐड करना भूल गई थी, इस वजह से मैंने ये ऑयल बाद में ऐड किया है। वॉइस ओवर में पहले इस बात को मेंशन कर दिया था ताकि आप ऑयल भी साथ में ही ऐड कर लीजिए। बाकी मैंने इसको इस तरीके से हाथ से नीट करके और इसको एक बॉक्स, जो भी आपको लिड कवर बॉक्स हो आप उसके अंदर इसको इस तरीके से रख दीजिए। ये थोड़ी देर के अंदर ही यहाँ पे बढ़ जाएगा। इसके अलावा मैंने इसमें 1.5 कप के करीब चिकन यूज़ करी है, जो कि बोनलेस है, और मैंने उसको बिल्कुल स्लाइस के तौर पर कट किया है। अब मैंने इसके अंदर टिक्का मसाला ऐड किया है। आप चाहे तो कोई सा भी मसाला इसमें ऐड कर सकते हैं, चाहे आप बिल्कुल घर के मसाले से इसको बना लें। इसके साथ में ही मैंने इसमें 3 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया था और मैं अब इसको बस पका रही हूँ, बिल्कुल जैसे इसको बनाते हैं कि चिकन अपना कलर चेंज करे और फिर इसका जो भी पानी वगैरह बहुत सारा जो आता छोड़ देती है तो ये उसमें ही पक जाती है। अदरवाइज़ आप इसमें थोड़ा सा ऐड कर लीजिए। एंड वन मोर थिंग इज़ के आप इसके अंदर अदरक लहसुन के 1 से 1.5 टेबलस्पून के करीब आप इसमें वो भी ऐड कर दीजिए, जो इसको बहुत अच्छा फ्लेवर दे देता है। और थोड़ा सा मैंने इसको कलर इसका चेंज करने की वजह से थोड़ा सा यहाँ पे इसमें जर्दी का रंग ऐड किया था। और इसके अलावा ये टेस्ट के हिसाब से अगर आप चाहें तो ब्लैक पेपर मैंने इसमें ऐड की है, आप चाहें तो पूरा ही इसको टिक्का मसाला के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चिकन बिल्कुल पक्के रेडी हो गई थी। 5 से 10 मिनट के अंदर आपकी चिकन बिल्कुल अच्छी तरह से रेडी हो जाएगी। उसके बाद मैंने कुछ सब्ज़ियाँ ली थी जिनको मैंने पहले से ही कट करके स्टोर कर लिया था। तो इस सब की क्वांटिटी आपकी डिज़ायर्ड, आप जो भी रखना चाहें वो आप रख सकते हैं। मैं यहाँ पे इससे 2 मीडियम और 1 स्मॉल पिज़्ज़ा बनाने वाली हूँ। इसको मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल में 2 पिंचेस सॉल्ट और 4 पिंचेस के करीब इसमें ब्लैक पेपर के ऐड किए थे और उसमें मैंने इसको सिर्फ और सिर्फ थोड़ा फ्राई करा है ताकि सारी वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना हो जाएँ। सो आफ्टर वेजिटेबल्स मैं यहाँ पे पिज़्ज़ा सॉस रेडी कर रही हूँ। तो पिज़्ज़ा सॉस को रेडी करने के लिए आपको टमाटर चाहिए होगा। मैंने यहाँ पे 1.5 टमाटर यूज़ किया है। 1 टेबलस्पून फुल मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। और सिमिलरली इसी तरीके से 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे चिली सॉस, सोया सॉस और इसी तरीके से विनेगर यूज़ किया है। टमाटो केचप मैं इसमें नियरली 3 to 4 टेबलस्पून यूज़ करने वाली हूँ। उसके अलावा ऑयल मैं इसमें तकरीबन 1.5 टेबलस्पून यूज़ करूँगी और थोड़ी सी मैं इसमें ब्लैक पेपर भी ऐड करती हूँ। सो इट्स टोटली अप टू यू कि आप इसमें ऐड करें कि नहीं करें। इसके अलावा आप इसमें थोड़ी सी शुगर ज़रूर ऐड करें, वो इसको बहुत अच्छा टेस्ट देती है। इस सब की जो क्वांटिटी है वो आपको अपने केचप के हिसाब से भी थोड़ी सी एडजस्ट करनी पड़ती है, क्योंकि बास केचप जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा सॉल्टी होते हैं और बास में जो है थोड़ी सी मिठास ज़्यादा होती है। तो आप इसी तरीके से शुगर की और सॉल्ट की क्वांटिटी को इसके हिसाब से रखें। तो मैंने तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद इसमें ये थोड़ी सी शुगर ऐड करी थी। तो आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा शुगर मैं इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ, वरना ये थोड़ा ज़्यादा ही फिर मीठा हो जाता है। डो को इस तरीके से कवर हुए हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके थे और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल परफेक्ट इस वक्त हो गई है। मैंने इसको फैला के थोड़ी और देर के लिए छोड़ दिया था क्योंकि मुझे थोड़ी सी प्रिपरेशन और करनी थी। अदरवाइज़ अगर मेरे पास चीज़ें उसी वक्त बिल्कुल रेडी होती तो बिल्कुल मैं उसको यूज़ कर सकती थी, इससे ज़्यादा उसको टाइम नहीं लगता है। पिज़्ज़ा की रोटी को पकाने के लिए आपको यहाँ पे एक पैन लेना पड़ेगा जिसको आपको प्री हीट करना पड़ेगा। तो प्री हीट आप स्टार्टिंग में उसको थोड़ा सा ज़्यादा कर लें। इसके अलावा मैंने यहाँ पे चीज़ को ग्रेट करके रख लिया था और जो मैं पैन वहाँ पे प्री हीट कर रही थी तो उसके फ्लेम को मैंने बाद में
किया था, और उसके अलावा मैंने इसकी रोटी को जो है वो नीट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ अपने फिंगर्स की मदद से उसको फैलाया था, जो कि काम मैंने काउंटर टॉप के ऊपर किया था क्योंकि मैंने पहले से प्री हीट कर लिया था। काउंटर टॉप से इसको उठाने के लिए अगर आपको ईजी ना लगे तो आप इसमें थोड़ा सा पहले ऑयल उसको ग्रीस कर लें, फिर उसके बाद आप इसको वहाँ पर थोड़ा सा फैलाएँ ताकि आप ईज़िली इसको रिमूव कर सकें वहाँ से, और फिर बाद में आप किसी भी फॉर्क की मदद से इस तरीके से इसके ऊपर होल्स बना दें ताकि कि हीट ऊपर भी आ सके और ये रोटी अच्छी तरह से बिल्कुल पक सके। तो मैं तकरीबन 2 मिनट के लिए इसको एक साइड से और फिर 1.5 मिनट के लिए इसको दूसरी साइड से पकाऊंगी, और फिर अगेन हम इसको जो पहले साइड हमने रखी थी उसी के ऊपर हम इसको पूरा सॉसेस वगैरह लगा के रेडी करेंगे। क्योंकि मैं पैन पिज्ज़ा बना रही हूँ इसलिए मैंने इसकी एजेस को थिक नहीं रखा है, और आफ्टर 2 मिनट्स आप देख सकते हैं मैंने इसको कवर करके लिड से पकाया था और आफ्टर 2 मिनट्स ये कुछ इस तरह से हो गई। तो इसी तरीके से आप इस वाले साइड को जिसको हमने पहले रेडी किया था इसके ऊपर सबसे पहले यहाँ पे पिज़्ज़ा सॉस से आप इसको लेयर कीजिए। देन मैं इसमें थोड़ी सी मायोनीज ऐड करने वाली हूँ, वो भी बहुत अच्छा इसको टेस्ट देती है और थोड़ा सा मॉइस्चर भी दे देती है। इतनी डो के साथ जो कि आपने 2.5 कप में बनाई थी तो उसमें आप या तो 2 लार्ज पिज़्ज़ा बना सकते हैं या फिर 2 मीडियम और 1 स्मॉल। तो आपकी डो की थिकनेस और उसकी जो सॉफ्टनेस है वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी, और इतने ही टाइम के अंदर वो बिल्कुल परफेक्टली रेडी भी हो जाएगी। इट्स टोटली ऑप्शनल, बट अगर आप चाहें तो इसकी जगह पे आप सारी चीज़ ही ऐड कर सकते हैं, बट क्योंकि मुझे ये थोड़ा सा मॉइस्चर इसमें पसंद आता है तो इस वजह से मैंने इसमें आफ्टर पिज़्ज़ा सॉस मायोनीज को भी ऐड किया है। मैं इसको अच्छी तरह से इस तरीके से फैला लूँगी। वीडियो पसंद आए तो काइंडली इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं और आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं कराया तो काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ में ही बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा ताकि आपको आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिल सकें। और अब मैं इसमें चिकन टिक्का फ्लेवर की चिकन ऐड कर रही हूँ जो कि मैंने स्लाइसेस के तौर पर यूज़ की थी ताकि वो बिल्कुल ईजिली कुक हो सकें, और वैसे भी पिज़्ज़ा के अंदर हमने हर चीज़ को प्रेस ही करना होता है एट द एंड आके, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा स्लाइस कर लिया था। इसके अलावा टॉपिंग के अंदर लोग जो भी चाहे इसके अंदर ऐड करते हैं अपने हिसाब से अपने टेस्ट के हिसाब से। मैं यहाँ पे अनियन यूज़ कर रही हूँ जो कि अनियन स्लाइस में कट है, जिस तरह से हम चॉप करते हैं उस तरीके से मैंने थोड़ी सी बिग स्लाइसेस उसकी बनाई हैं। इसी तरीके से आप जो है अपने शिमला मिर्च को भी इसी तरीके से इसमें ऐड करें कट करके। इसी तरीके से मैंने इसको रख लिया था पहले ही। टोमेटोज़ की भी पल्प को मैंने रिमूव कर लिया था, और उसके अलावा जो टोमेटोज़ की जो पार्ट होता है और उसका पील, बस वही चीज़ हमने इसके अंदर यूज़ करनी है। उसके अलावा ओलिव्स या फिर येलो और ऑरेंज बेल पेपर वगैरह अगर आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। सबसे एंड में मैं इसके ऊपर चीज़ ऐड करने वाली हूँ, और फिर चीज़ ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से प्रेस कर लूँगी थोड़ा सा ताकि चीज़ हमारी ईजिली मेल्ट हो सके। काइंडली मेक श्योर कि आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें, साथ में ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। चैनल पर बहुत सी फूड रिलेटेड वीडियोज़ हैं, इसके अलावा बहुत से DIY प्रोजेक्ट्स हैं, उसके अलावा कुछ टेक रिलेटेड वीडियोज़ भी आपको मेरे चैनल पर अवेलेबल होंगी, तो आप उन तमाम वीडियोज़ को ज़रूर देखें और लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। तो फाइनली फिर मैंने इसको थोड़ा सा प्रेस कर लिया था इस तरीके से। आप चाहें तो इसके ऊपर मिक्स्ड हर्ब ऑरिगैनो वगैरह आप इस पर यूज़ कर सकते हैं, आपके टेस्ट के ऊपर है। पिज़्ज़ा की रोटी हमारी 4 मिनट के अंदर रेडी तकरीबन हो चुकी थी। अब जो हमने करना है वो सिर्फ़ और सिर्फ चीज़ को मेल्ट करना है इस पर, बाकी सारी चिकन और वेजिटेबल्स इस पर ऑलरेडी रेडी डली हुई हैं। और अब ये लिड से इसलिए कवर्ड है कि ताकि इसमें सारी जो चीज़ वगैरह हमने ऐड की है वो मेल्ट हो जाए, और डो में अगर थोड़ी बहुत कोई कसर रह गई है तो वो भी बिल्कुल प्रिपेयर्ड हो जाए अच्छी तरीके से। सो हियर इज़ इट्स फाइनल लुक, आप देख सकते हैं कि चीज़ कितनी अच्छी तरीके से इस पर मेल्ट हो गई है, और अब आप इसको किसी भी डिश के अंदर डिश आउट कर सकते हैं ईज़िली। और पिज़्ज़ा क्रस्ट इस रेसिपी के साथ आपकी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। फ्लेम को आप सिर्फ और सिर्फ जब तक तेज़ रखिए जब तक कि आपने पैन को अपने प्री हीट करना है। जैसे ही आपको ये लगे कि पैन अब मेरा बिल्कुल अच्छी तरह से प्री हीट हो चुका है तो आप उसके फ्लेम को थोड़ा सा लो कर दीजिए, और आपकी ऑलरेडी पकी हुई डो बिल्कुल भी ख़राब नहीं हो तो उसके लिए ज़्यादा बेहतर यही होता है कि आप उसको तवे के ऊपर रखिए और फिर आप इसको हीट कर दीजिए, ताकि ये है कि वो तवा जो है आपको बिल्कुल डायरेक्ट हीट आपके पैन के ऊपर नहीं लगने देगा, जिसकी वजह से आपकी डो बिल्कुल भी नीचे से ख़राब नहीं होगी। और ये था मेरा सेकंड पिज़्ज़ा। दोनों की ही डो बिल्कुल परफेक्टली रेडी हुई थी, बिल्कुल सॉफ्ट थी और बिल्कुल अच्छी तरह से पकी हुई भी थी, तो अब आप इसको ईज़िली कट कर सकते हैं।
रेसिपी पसंद आए तो काइंडली इसको लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और अब मैं आपको इसका एक पीस, एक स्लाइस इसको कट करके आपको दिखा रही हूँ। और मुझे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।